शिक्षा सबका अधिकार है, लेकिन बेहतर शिक्षा हर किसी को नसीब नहीं होती। शायद यही वजह है कि अभिभावक अपने बच्चों को सरकारी स्कूल के बजाय निजी स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं। लेकिन मंडी के एक IIT प्रोफेसर ने समाज की सोच के उलट अपने बेटे का दाखिला सरकारी स्कूल में करवाया। हम लोगों को ये कोशिश करनी होगी कि बच्चों पे जो बच्चों का विकास हो वो सर्वांगीण विकास हो, उसमें उसका शारीरिक विकास भी हो, मानसिक विकास भी हो और उसका बौद्धिक विकास भी हो। तो हम लोग इनिशिएटिव लेंगे गवर्नमेंट स्कूल में अपने बच्चों को दाखिल करने का। IIT मंडी के असिस्टेंट प्रोफेसर रजनीश शर्मा ने अपने बेटे का एडमिशन मंडी के सरकारी स्कूल में करवाया है। उनका बेटा स्कूल में न सिर्फ पढ़ाई करता है बल्कि मिड डे मील भी खाता है। इतना ही नहीं, रजनीश शर्मा ने स्कूल में इंग्लिश टीचर रखने का आग्रह भी किया है, वो भी अपने खर्च पर। हमारे लिए सभी बच्चे बराबर हैं, उनमें एक एकता की भावना निकालना और लोगों कम्युनिटी को अवेयर करना और कम्युनिटी को इस तरफ आकर्षित करना कि हमारी पाठशाला में भी एक पढ़े लिखे टीचर्स हैं और वेल ट्रेन टीचर्स हैं, तो यहाँ पे भी उतना ही बच्चों के ऊपर ध्यान दिया जाता है जैसा कि किसी भी निजी पाठशाला में दिया जाता है। आज के दौर में जहाँ अभिभावक सरकारी स्कूल की ओर रुख भी नहीं करना चाहते, वहीं रजनीश शर्मा ने एक मिसाल कायम की। हालांकि इसके लिए सरकारी स्कूलों की दयनीय स्थिति भी जिम्मेदार है, लेकिन वक्त के साथ अब सरकारी स्कूलों की हालत भी बदल रही है और उम्मीद है कि प्रोफेसर साहब के इस कदम से स्कूलों की स्थिति की ही तरह समाज की सोच भी बदली। बहुत से अभिभावक निजी स्कूलों की चमक धमक के पीछे अपने बच्चों की शिक्षा के लिए लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, लेकिन यकीन मानिए सरकारी स्कूल की चार दीवारी में भी वही शिक्षा दी जाती है। और यही कारण है कि शायद अब इस बात को बहुत से बुद्धिजीवी अभिभावकों ने समझना भी शुरू कर दिया है। न्यूज 18 हिमाचल के लिए मंडी से कैमरा पर्सन नीरज शर्मा के साथ वीरेंद्र भारद्वाज।